इस वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे. ओके, चैप्टर टू क्लास नाइन की. सो पॉलिनोमियल के जो भी थ्योरी पार्ट्स है, मैं आज इस वीडियो में वो कंप्लीट करेंगे. और मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले ऑब्वियसली उस चैप्टर का थ्योरी पार्ट बहुत अच्छे से स्टडी कर लेना है और समझना है. थ्योरी पार्ट अगर नहीं समझ में आया तो हम लोग प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे. सब प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाएंगे. कुछ कुछ प्रॉब्लम जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वही कंप्लीट कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे. अगर कोई भी अनकमन कोई भी अगर प्रॉब्लम आए एग्जाम पे तो वो भी नहीं कर पाएंगे, अटेंड नहीं कर पाएंगे. इसलिए पहले क्या करनी पड़ेगी कि चैप्टर की थ्योरी पार्ट बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा. ठीक है, सो चलो चैप्टर को यूज़ करते हैं. थ्योरी पार्ट को कभी भी स्किप मत करना. थ्योरी पार्ट को पहले बहुत अच्छे से समझना, इसके बाद ही चैप्टर की प्रॉब्लम को शुरू करना. ठीक है, सो हम अब जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स किसको कहते हैं. अगर कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जहाँ पर क्या होता है, वेरिएबल रहता है, पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक कोई भी एक्सप्रेशन जहाँ पर क्या होता है, वेरिएबल रहता है, ठीक है, उसका पावर अगर नॉन नेगेटिव हुआ, एक्सपोनेंट अगर नॉन नेगेटिव हुआ, तब उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे. ओके, क्या द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल. अगर कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का इस वेरिएबल का पावर देखो पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव होता तो इसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कहते. ओके, सो पॉलिनोमियल होने के लिए ऑब्वियसली पावर पॉजिटिव होना पड़ेगा, नॉन नेगेटिव. ओके, ये देखो सब पॉजिटिव है, अगर एक भी नेगेटिव रहता तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल नहीं कहते. ओके, ये देखो अगर ये एक्स टू द पावर माइनस टू, ये नेगेटिव आया प्लस ये पॉजिटिव है, पर एक तो नेगेटिव है इसलिए इसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे. ओके, इसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे. और ये देखो वन बाय एक्स टू द पावर फाइव, ये भी अगर इस फॉर्म में लिखे तो एक्स टू द पावर क्या होगा, माइनस फाइव, सो इसका पावर भी नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा. सो पॉलिनोमियल क्या है, समझ में आया. पॉलिनोमियल के लिए ऑब्वियसली वेरिएबल का पावर क्या होना पड़ेगा, नॉन नेगेटिव, ऑब्वियसली ऑलवेज पॉजिटिव होना पड़ेगा पावर. ठीक है, पॉलिनोमियल समझ में आया. अब हम लोग जानेंगे डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल का डिग्री कौन सी है. कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर इसका हाईएस्ट जो पावर है, हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल. कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हाईएस्ट डिग्री जो है, इसमें हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर कितना है, सॉरी डिग्री नहीं पावर होगा, हाईएस्ट पावर कितना है, टू, तो इसलिए इसका डिग्री क्या हो गया, टू. हाईएस्ट पावर कितना है, फाइव, तो इसलिए इसका डिग्री हो गया फाइव. देखो इस एग्जाम्पल पे क्या इसमें है हाईएस्ट डिग्री, सॉरी हाईएस्ट पावर सिक्स, सो डिग्री क्या होगा, सिक्स. समझ में आया डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल. अगर क्वेश्चन आए कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल कितना है तो बोल पाओगे, बहुत इजी था. और पॉलिनोमियल तुम लोगों को क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, कौन सी पॉलिनोमियल नहीं है, वो भी समझ पाओगे. जस्ट सिंपल क्या होगा, नॉन नेगेटिव पावर, नॉन नेगेटिव होनी पड़ेगी, दैट्स इट. देन आएगा कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल. ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री जीरो इज कॉल्ड ए कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल. अगर इस पॉलिनोमियल का डिग्री जीरो हो तो, डिग्री जीरो मीन्स की, डिग्री जीरो मीन्स यहाँ पर वेरिएबल ही नहीं रहेगा, सेवन
ए एट, इसका क्या डिग्री जीरो, डिग्री कब आता है? अगर ये देखो डिग्री, जब 4x + 5, इस एग्जांपल का डिग्री क्या है x, और इस एक्सप्रेशन का डिग्री क्या होगा जीरो। तो अगर क्या बोलते हैं, सॉरी इस एक्सप्रेशन का डिग्री 1x नहीं, सॉरी 1 1, ठीक ना, 1, एक्स टू द पावर क्या है 1 है ना, तो डिग्री 1। यहाँ पे तो कोई भी वेरिएबल नहीं है, सो इसका डिग्री क्या हो गया जीरो। हम लोगों को पता है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, तो अगर हम लोगों को पता नहीं रहेगा कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, तो हम ये भी नहीं समझ पाएंगे कि कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। सो किसी भी चैप्टर के एक भी पॉइंट को समझने के लिए चैप्टर के सब पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल समझा और एक्चुअली पॉलिनोमियल क्या होता है वो ही समझ में नहीं आया, तो तब क्या होगा, हम लोग जस्ट ये मुखस्त कर लेंगे, इसको ये होगा कि हमको रटना टाइप हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए सब चैप्टर में जो भी थ्योरी पार्ट है, सब पॉइंट को बहुत अच्छे से बारीकी से समझना बहुत जरूरी है, एक भी पॉइंट को मिस नहीं कर सकते हैं। सब पॉइंट को स्टडी करना जरूरी है और समझना और याद रखना भी जरूरी है। अगर सब पॉइंट याद नहीं रहेगा तो हम एक भी, क्योंकि सब कनेक्टेड है, अगर पॉलिनोमियल क्या है वो ही नहीं समझ में आएगा तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल नहीं समझ में आएगा। अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में हम लोगों को नहीं पता रहेगा तो हम लोग कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल को नहीं समझ पाएंगे। ऐसे अगर कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल को नहीं समझेंगे तो जीरो पॉलिनोमियल को नहीं समझेंगे। ओके, एक सब कनेक्टेड है, एक और के साथ क्या है, कनेक्टेड है, इसलिए सब पॉइंट को समझना जरूरी है। अब आते हैं जीरो पॉलिनोमियल, द कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। ओके, सेकेंड आता है लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल कौन सी पॉलिनोमियल को बोलेंगे, अगर कोई भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर डिग्री, अगर कोई भी पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 1 हो तो उसको कहेंगे क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। अब एग्जांपल देके दिखाती हूँ, अगर ये 4x + 2 तो इसका डिग्री क्या है 1, इसका हाईएस्ट पावर 1, सो डिग्री हो 1, सो ये क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। अब और एक एग्जांपल लेते हैं 6x - 2, तो ये क्या होगा, इसका भी डिग्री हाईएस्ट पावर 1, सो डिग्री 1, देन ये एक लीनियर पॉलिनोमियल। अगर 4x² + 2 + 4x हुआ, ओके, इसका डिग्री क्या आता है, देखो 2, हाईएस्ट पावर 2, सो डिग्री 2, सो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। ओके, समझ में आया। देन आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। अब अगर 1 डिग्री हो तो लीनियर पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 3 हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, ठीक है ना, समझ में आया, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। बहुत ही आसान था, लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1 होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होगा, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, 3 डिग्री होगा। बहुत ही आसान है। अब मोनोमियल, ठीक है, ए पॉलिनोमियल हैविंग 1 नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड ए मोनोनोमियल। अगर कोई भी पॉलिनोमियल का 1 नॉन जीरो की 1 टर्म हो तो इसको मोनोनोमियल बोलेगा, अगर 2 टर्म हो तो इसको बायनोमियल, एंड अगर 3 टर्म्स हो तो इसको क्या कहेंगे, ट्रायोनोमियल। समझ में आया।